केसीआर कभी भी गरीबों का काम नहीं करते हैं, केवल और केवल अपने बेटे बेटियों का काम करने का काम एक केसीआर सरकार ने किया है। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये इंडी गठबंधन वाले, कांग्रेस पार्टी वाले, ये केसीआर, ये सारे लोग धारा 370 को बचाकर बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बताओ युवाओं, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? एक कांग्रेस पार्टी आजाद हुए तब से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने एक दिन सुबह इसकी नींव डाल दी और 2024 जनवरी में भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार। माताओं भाइयों बहनों, मुझे बताओ देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? जोर से बोलिए, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार थी, हर रोज पाकिस्तान से घुसे हुए आतंकवादी हमला कर भाग जाते थे, कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी सरकार आई, इन्होंने उरी और पुलवामा में हमला किया। मोदी जी ने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। एक कांग्रेस पार्टी, एक केसीआर देश की रक्षा नहीं कर सकते। तेलंगाना को आज के जमाने के रजाकारों से बचा नहीं सकते। तेलंगाना को आज के जमानों के रजाकार से अगर कोई बचा सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। मित्रों, एक केसीआर तेलंगाना में हमेशा एक खोखला प्रचार करते हैं। मैंने केसीआर को सुना है कि मैंने तेलंगाना को नंबर वन बना दिया। हाँ भैया, सच बात है केसीआर बाबू, आपने तेलंगाना को नंबर वन बना दिया, मगर किस चीज में? रोजगारी में? ना जी। घर में पानी पहुंचाने में? ना जी। नौकरियां देने में? ना जी। किसानों की आत्महत्या के बारे में तेलंगाना आज देश में नंबर वन बन चुका है। मित्रों, नंबर वन बन चुका है। बच्चों और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में तेलंगाना नंबर वन बन गया है। और महाघोटाले करने के बारे में भी, भ्रष्टाचार करने के बारे में भी तेलंगाना नंबर वन बन गया है। और मित्रों, केसीआर की